बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं व्हाट्सअप बॉलीवुड। कुछ लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, अगर उनके पास पैसा और फेम हो तो वो इसका इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद करने और दूसरों को खुश रखने में करते हैं। ऐसी ही एक पर्सनालिटी है नेहा कक्कर। हाल ही में नेहा कक्कर ने कुछ ऐसा किया है जो बात आपके दिल को भी छू लेगी। नेहा कक्कर ने आखिर ऐसा क्या किया है, आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं पूरी डिटेल। सिंगर नेहा कक्कर उत्तराखंड के चमोली जिले में हाल ही में जल प्रलय के बाद लापता हुए मजदूरों के परिवार को 3 लाख रुपए की मदद की है। इंडियन आइडल सीजन 12 के सेट पर आने वाले एपिसोड में ऑडियंस पहली बार शो के होस्ट हर्ष लिम्बछिया और भारती सिंह को एक खास एपिसोड इंडिया की फरमाइश में देखेंगे, जिसमें कंटेस्टेंट्स अपने फैंस की फरमाइशों को पूरा करेंगे। शो में पार्टिसिपेट कर रहे पवनदीप ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से आपदा में प्रभावित मजदूर परिवारों की मदद करने की अपील की है। पवनदीप के परफॉर्मेंस के बाद नेहा कक्कर ने उनसे कहा, आप एक शानदार गायक हैं जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन आप एक शानदार इंसान भी हैं। जैसा कि आप लापता मजदूरों के परिवारों का समर्थन कर रहे हैं और सभी से उनके परिवारों की मदद करने का आग्रह किया है, इस मिशन में मैं आपके साथ हूं। मैं उत्तराखंड में हमारे लापता मजदूर के परिवार को 3 लाख रुपए दान करना चाहती हूं। मैं सभी से समर्थन में आने और परिवारों की मदद करने का आग्रह करती हूं। आपको बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब नेहा कक्कर किसी की मदद कर रही हैं। इससे पहले भी उन्होंने जरूरतमंदों को पैसे देकर मदद की है। ऐसा ही एक वाकया तब हुआ था जब इंडियन आइडल 12 के एक एपिसोड में मेकर्स ने फेमस सिंगर संतोष आनंद को भी इनवाइट किया था। संतोष ने अपने अतीत में प्यारे लाल जी के साथ काम किया है। उन्होंने आइडल के मंच पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया था, जो इन दिनों बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उनकी स्थिति को देखते हुए और उनके कर्ज के बारे में सुनकर जज नेहा कक्कर बहुत ही भावुक हो गईं और उन्होंने संतोष को 5 लाख रुपए देने का फैसला किया। संतोष की कहानी सुनने के बाद जज नेहा कक्कर की आंखें काफी नम हो गई थीं। वो किसी भी तरह से उनकी मदद करना चाहती थीं और इसीलिए नेहा ने अपनी तरफ से उन्हें 5 लाख रुपए दिया। इतना ही नहीं बल्कि नेहा ने नेशनल टेलीविजन पर इंडियन आइडल के माध्यम से पूरी इंडस्ट्री से ये रिक्वेस्ट की कि वो संतोष जी को कुछ काम दे। वह नेहा कक्कर कई मौकों पर बहुत सारी जरूरतमंदों की मदद करती नजर आती है। यही बात फैंस को काफी पसंद आती है नेहा कक्कर की। ना सिर्फ उनके गाने फेमस हैं, बल्कि उनके दरिया दिली के किस्से भी अब मशहूर होने लगे हैं। अगर आपको नेहा कक्कर से जुड़ी ये खबर पसंद आई है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।